सहारनपुर पुलिस ने हत्याकांड का किया पर्दाफाश। सहारनपुर के रामपुर मनिहारन इलाके के चुनहेजी गाड़ा में हुई फुरकान की हत्या का पुलिस ने किया सनसनीखेज खुलासा। दो हत्यारोपी गिरफ्तार। सहारनपुर के SPCT IPS अभिमन्यु मांगलिक ने किया फुरकान हत्याकांड का पर्दाफाश। सहारनपुर से संवाददाता मोहित राय जायसवाल की रिपोर्ट। जी हाँ, 21-22 की रात्रि को चुनेटी गाड़ा चौकी क्षेत्र में, जो थाना रामपुर मनिहारन में आता है, वहाँ पर फुरकान की गला काटकर हत्या की गई थी। तुरंत मौके पर पुलिस पहुँची थी, तफ्तीश स्टार्ट करी थी। उसमें आई विटनेस के बयानों पर और आसपास के लोगों को देखने के बयानों पर पता चला था कि सालिम नाम का एक युवक है जो मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। उसने इस घटना को एक दूसरे लड़के ईसा मोहम्मद उसके साथ इसको अंजाम दिया था। तो पुलिस दो दिन से लगी हुई थी, कल इन लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई है। और जो घटना में प्रयुक्त चाकू था वो तो उसी दिन घटनास्थल से बरामद हो गया था। वो सब्जी काटने वाला चाकू था जो घटनास्थल पर बरामद हो गया था। और आज इन दोनों अभियुक्तों को रिमांड लेकर न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। जो मेन वजह ये थी कि जो फुरकान की पत्नी गुलशाना, जिनसे उनका तलाक भी हो गया था, तो गुलशाना पहले फुरकान के साथ थी, उसके बाद ये जो सालिम है जो इसमें मेन अभियुक्त है उसके साथ रहने लगी थी। ये दोनों सऊदी में भी साथ में रहे थे। जब सालिम से पूछताछ हुई तो उसने बताया कि वीडियो कॉलिंग के द्वारा इनका निकाह भी हुआ था और इनकी एक बच्ची भी थी निकाह से, 5-6 महीने की बच्ची थी निकाह से। तो गुलशाना जो थी कुछ टाइम सालिम के साथ रही, फिर वहाँ को भी छोड़ के फिर वापस फुरकान के साथ रहने लगी थी। तो इसी बात से वो ग्रस्त था कि ये मेरे साथ रही थी, अब वापस से फुरकान के साथ हो गई है। और उसके दिमाग में कहीं ये था कि अगर ये 3-4 महीने की जो बच्ची है उनके निकाह से जो हुई है, अगर ये उनके साथ आ जाती है तो गुलशाना फिर वापस से सालिम के साथ रहने लगेगी। इसी मकसद से वो वहाँ पर गया था और वहाँ पर कहासुनी हुई, जिस वजह से उसने ऑन द स्पॉट इनको, फुरकान को, चाकू इस्तेमाल करते हुए गला काट दिया था।